नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विलेज टेस्टी भोजन में। दोस्तों आज हम झारखंड की एक बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी बनाने वाले हैं, शायद ये आपके यहाँ भी फेमस होगा, तो वो आप आगे वीडियो में देखिएगा कि वो कौन सी रेसिपी है। तो सबसे पहले हम इस कढ़ाही को चूल्हे पर चढ़ा लेते हैं। अब इसमें पानी डालेंगे, तो पानी उबल गया है दोस्तों। तो ये देखिए अब इसमें हम चावल का आटा डाल रहे हैं। अब इसे हम अच्छे से पानी में मिला देंगे और इसे टाइट होने तक चलाते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हो गया है, अब हम इसे नीचे उतारेंगे। अब इसे हम इस बर्तन में निकाल लेंगे। दोस्तों ये देखिए आटा जो है कढ़ाही में चिपक गया था, इसे दोबारा चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं तो ये आसानी से छूट गया, ये देखिए। दोस्तों ये देखिए ये लगभग ठंडा हो गया है, अब इसे हम अच्छे से गूथ लेंगे। ये हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा सा तेल लगा लेंगे तो ये नहीं चिपकेगा। ये देखिए दोस्तों इसे हम अच्छे से गूथ लिए हैं, अब इसका हम इस तरीके से छोटा छोटा गोली बनाएंगे। दोस्तों ये बिल्ली दूध पीने आई है तो इसे सबसे पहले हम दूध दे देते हैं। देखिए दोस्तों दूध पी ली, अब वो जा रही है। दोस्तों इस तरीके से इसे हम बना लिए हैं, अब फिर से कढ़ाही को चूल्हे पर चढ़ाएंगे। अब इसमें दूध डालेंगे। दोस्तों यहीं पर हम इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए इलायची डाल देंगे। दोस्तों अब दूध उबलने का इंतजार करते हैं। दूध उबल गया है, अब इसमें हम चीनी डालेंगे। अब इसमें हम चीनी को अच्छे से घुलने देते हैं, फिर ये जो आटे का बनाए हैं इसमें हम डालेंगे। चीनी इसमें अच्छे से घुल गया है, अब इसमें हम इसे डालेंगे। Thank you.
इसे गाढ़ा करने के लिए इसमें ऊपर से चावल का आटा डाल देंगे दोस्तों। इसे एक ही जगह नहीं गिराएंगे, चारों तरफ डालेंगे। अब इसे हम पकने देते हैं, लेकिन बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। दोस्तों अब ये पक गया है, ये देखिए। अब इसे हम चूल्हे पर से नीचे उतारेंगे। तो दोस्तों ये है झारखंड की प्रसिद्ध रेसिपी दूध पिठा। ये देखिए कितना मस्त बना है। अब इसे हम खाने के लिए इस प्लेट में निकाल लेंगे। वाह क्या मस्त बना है दोस्तों, बहुत ही शानदार। दोस्तों हमारी यह रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।